हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। पानी की बर्बादी को रोकने और लोगों को इसका महत्व समझाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। हर साल इस दिन की एक थीम निर्धारित की जाती है। इन स्थितियों के बाद भी लोग पानी के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। तालाब, कुएं, नहर वगैरह सूखे जा रहे हैं और नदी का पानी बुरी तरह से दूषित हो गया है। अगर समय रहते इंसानों ने पानी की अहमियत को नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया पानी के संकट से जूझती नजर आएगी। इन हालातों को भांपते हुए दुनिया की कई नामी लोगों ने भविष्य में पानी के कारण होने वाले युद्ध की भी आशंका जताई है। वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर आइए आपको बताते हैं कुछ खास लोगों की कहानी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जिंदगी के 78 बसंत देख चुके यह है गुंदली गांव के मांगीलाल गुज्जर। भिलवाड़ा में इन्हें लोग पानी बाबा भी कहते हैं। इस बुजुर्ग पानी बाबा की कहानी एक बार फिर विश्व जल दिवस पर चर्चा में है। पिछले 27 सालों से मांगीलाल अपने हाथों खोदे हुए कुएं से पानी निकालकर राहगीरों को पिलाने का नेक काम कर रहे हैं। बिना किसी लोभ लालच के बाबा फ्री में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पानी का मटका और लोटा लिए पानी बाबा अपने गांव से काफ़ी दूर दूसरे गांवों तक पहुंच जाते हैं। उन्हें बरसों से जल सेवा करते देख रहे लोग भी आदर सत्कार करते हैं। पानी बाबा जिस भी गांव में जाते हैं लोग उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर देते हैं। मांगीलाल ने इस नेकी की शुरुआत 27 साल पहले की। पहले 20 साल तक अपने हाथों से एक कुआं खोदा और उससे पानी निकाल कर राहगीरों को पानी पिलाने का काम शुरू किया। ये काम इन्होंने भिलवाड़ा से अमरगढ़ और बागोर जाने वाली मुख्य सड़क से 3 किलोमीटर अपने गांव जाने के रास्ते के चौराहे पर शुरू किया। तब तक अपने गांव जाने का एक यही कच्चा रास्ता था जहां लोगों को पैदल या बैलगाड़ी जैसे साधनों से जाना होता था, लेकिन वहां पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं था। तो वहीं एक और कहानी राजस्थान के रेगिस्तानी राज्य में अलवर जिले के निवासी राजेंद्र सिंह की है, जिन्होंने भारत के वाटरमैन के रूप में लोकप्रिय राजेंद्र सिंह ने अपना जीवन जल निकायों के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मे सिंह एक प्रशिक्षित आयुर्वेदिक चिकित्सक भी है। ग्रामीणों की समस्या को देखने के बाद उन्होंने लोगों के लिए काम करने का फैसला किया और अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। जयपुर में उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारियों और छात्रों द्वारा गठित एक गैर सरकारी संगठन तरुण भारत संघ के साथ मिलकर इस काम की शुरुआत की। टीवीएस के साथ अपने काम के दौरान सिंह को ग्रामीण राजस्थान के लोगों के संघर्षों के बारे में पता चला। फिर उन्होंने साल 1984 में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपना जीवन जल संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए जल संरक्षण का राजेंद्र सिंह का पैगाम तब से अलवर और पूरे राजस्थान के साथ दुनिया भर में फैल गया है। देश के कई राज्यों में वो अपने संगठन के साथ जल संरक्षण पर काम कर रहे हैं और आज दुनिया उन्हें भारत का वाटरमैन कहती है। इसके साथ ही भारत के वाटरमैन को उनके इस काम के लिए विश्व स्तर पर सम्मानित भी किया गया है, जिसमें 2001 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फॉर कम्युनिटी लीडरशिप और 2015 स्कॉट होम वाटर प्राइज शामिल हैं, जिसे पानी के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है।